चाणक्य नीति के अनुसार औरत के चरित्र कोई समझ नहीं सकता आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा सांप इनकी तरह दिखता हो ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है जिन स्त्रियों की, की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं जिस महिला की आंखें पीली और डरावना हो महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है गर्दन की लंबाई चार उंगलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है डिस्कलेमा मैंने इस लेख में किसी भी तरह महिलाओं को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं किया है न ही ऐसा प्रयास किया है जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है